नमस्कार किसान भाइयों, ये आप देख सकते हैं मेस्सी के बाद में इनके पास में बहुत ही प्यारी बछिया है, एक गोरी नाम है इसका। तो नमस्कार जी, कितने दिन की होगी ये? अच्छा जी किसान भाइयों, आप देख सकते हैं गोरी नाम है, और हमारे जो गंगा रही है जो बहुत बार भी आई थी हमारे पास में, बिल्कुल उसी के जैसी लग रही है मुझे देखने में। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं इसकी जो ब्रीड है और जो इसका साइज है और जो इसकी बनावट है बहुत प्यारी है ना, अब भी है काफ़ी, बहुत अच्छे दूध की बनेगी ये। और किसान भाई, आज बारिश बहुत हो रही थी तो आप देख सकते हैं। हाँ जी भाई, वाकई हाँ ना, वैसे असील भी रहेगी, असील बहुत लाड मुझे वो। अच्छा, ये तुमने वैसे लाड़ चाव से कर रखी? अच्छा, मान मनुहार से? नहीं नहीं, सही बात है, बिल्कुल प्यार करोगे इनसे। हाँ सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसकी अच्छा तो ये रहने दो, नहीं तो इसकी तो इसकी डाइट तो बता दो, मतलब इसकी डाइट क्या है? अच्छा, ये अंदर भी चली जा घूमने? भाई वाह भाई वाह, किसान भाई देखिए ये अपनी बछिया से कितना प्यार करते हैं इससे। ना डर नहीं रही, दूध की सूंघ ले ली, तुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा, और जो इसकी मदर जो है ये यहाँ पे है, ये कितनी बार ब्याली जी गाय? किसान भाइयों, आप देख सकते हैं साहिवाल गाय है ये, और भाऊ जी यो कितनी बार ब्याली गाय? 6 साल। अच्छा, आपके पास ही है जब से? किसान भाइयों, ये गाय कई बार ब्याली, और ये झुटिया? अच्छा, आपके पास ही है तब से? किसान भाइयों, आप देख सकते हैं जो है मुझे ये पास नहीं आने दे रही, और आप जो है इसके जड़ थन देख सकते हैं। दोपहर का समय है और आप देख सकते हैं ये छोटा लवारा इसका उधर। कितने दिन की ब्याई हो रही जी? कितने दिन हो गए? 2 महीने की ब्याई हुई है किसान भाइयों, ये मुझे पास नहीं आने दे रही। बहुत अच्छी नस्ल की झुटिया है, और तीसरी बार ब्याई है, तीसरी बार भैया किसान भाई। वो बड़ी जो है सुकरताल क्षेत्र है, धीरेडी गांव में, बहुत अच्छे पशु रखते हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छी गौर करते हैं। और इनके पास में एक मोटरसाइकिल है किसान भाई, वो अब CD100SS जो है हीरो होंडा की एंटीक आइटम हो गया ये, जिन किसानों के पास में है ये इन्हें बेचते नहीं है। कौन सा मॉडल है वो? छान में मॉडल है किसान भाई, आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट कंडीशन में मोटरसाइकिल है, पूरा दम लगा कर चला रही किसान भाई। आप देख सकते हैं इसके पीछे हिच लगा हुआ है, जो ये इन्होंने हैवी पत्ती लगा रखी है, और इसमें ये एक छोटी सी ट्रॉली बना रखी है, उसे जोड़ के इस पर पूरा जो है अपना लोड लाते हैं, चारा लाते हैं इस पर। और अभी वो ट्रॉली तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं हैवी पत्ती लगा के इन्होंने अपने आप ही ये इसका जुगाड़ बना रखा है, और ये इसमें चारा लाते हैं इन 3-4 पशुओं के लिए। तो किसान भाइयों, वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, धन्यवाद, जुड़े रहिए। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं जो हैं चौधरी, आपका नाम जी? नरेश राठी, गांव धीरेडी। किसान भाइयों, आज मैं आपको इनकी एक ऐसी कारीगरी दिखाऊंगा, आपने इनकी गाय भी देख ली, ट्रैक्टर भी देख लिया मैसी, और इनका एक ऐसा मतलब एक ऐसी खोज है जो मतलब ये करते रहते हैं, क्रिएटिव आदमी हैं बहुत ज़्यादा। CD100SS जो है ये इन्हें शादी में मिली थी, अब भी चल रही है। वैसे इनके पास में एक नई बुलेट भी है, लेकिन इन्होंने उसकी वीडियो नहीं बनवाई कि नहीं कोई बात नहीं, वो तो नहीं है, आप इसी की बनाओ। किसान भाइयों, ये गियर में डालने के बाद और किक से मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर देंगे, और आप देखना। हाँ बिल्कुल, ये तो खैर इनमें थी नहीं सेल्फ, कोई बात नहीं, आप इसे गियर में डाल दो जी। बल्ब बंद हो गया? हाँ हाँ, बल्ब बंद हो गया बिल्कुल। हाँ जी, करो स्टार्ट, करो। तो किसान भाइयों, आप जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, एक बार दोबारा करो जी बंद करके, पहले गियर में से निकालो फिर गियर डाल लियो। देखो, हाँ जी, किसान भाइयों आप देख सकते हैं न्यूट्रल होगी, अब जो है गियर में पड़ गई, और अब आप देखना। हाँ जी कोई बात नहीं। तो किसान भाइयों, आप मुझे बताएं, जो भी मेरे भाई इस बात को समझ पाए हो कमेंट में मुझे बताएं कि ये इन्होंने कैसे किया आप, क्योंकि किक फ्री इसलिए हो रही है, बहुत पुराना मॉडल है मोटरसाइकिल का, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरह से जो मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं गियर में। कोई बात नहीं, आपने मुझे
तीन चार बार करके दिखाया मैं समझ गया, लेकिन किसान भाइयों ये इन्होंने कैसे किया मैं नहीं समझा कि गियर में मोटरसाइकिल लगाने के बाद इन्होंने कैसे किक से स्टार्ट कर दी। तो किसान भाइयों जो भी मेरे भाई देख रहे हैं देखें, कमेंट में बताएं मुझे। धन्यवाद, जुड़े रहिए।